इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हम लोग जानेंगे उसका लोकेशन कहाँ है, उसके अगल बगल कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का प्लांट देखने को आपको मिल सकता है, किस तरह का आपको जानवर देखने को मिल सकता है और वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये आपका अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का फोटो है। ये साउथ इंडिया में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक्स है वो लगभग 1800 मीटर जो है सी लेवल से, समुद्री तल से वो 1800 मीटर ऊपर है। मतलब काफ़ी ऊंचा ऊंचा पीक्स आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो एक पहाड़ का पीक दिख रहा है ना, ये अगस्त मलाई का ही फोटो है। ये देखो इतना लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पीक्स है, मतलब हिल्स वगैरह वहाँ पर भी काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर करके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह बहुत पड़ता होगा, है ना। यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स है और इसका लगभग 2200 स्पीसीज़ है, 2254 एक्चुअल में 2254 स्पीसीज़ अलग अलग प्लांट का यहाँ पर पाया गया है, जिसमें से कि 400 जो है वो इसी एरिया में मेनली पाया जाता है। साथ ही साथ अगर ऐसा प्लांट का बात करें जो कि कल्टीवेटेड किया जाता है, जिसका खेती किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी यूनिक है। जैसे कि जामुन हो गया, नटमेग हो गया, है ना, पेपर हो गया आपका, तो इस प्रकार का जो जैसे इलायची वगैरह हो गया, मसाला वगैरह हो गया, तो इस प्रकार का जो प्लांट है इसका खेती किया जाता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसका नाम है सिहान, डरनी, पेपारा और नेयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इस एरिया में लोकेटेड है। साथ ही साथ कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी इस एरिया में ही लोकेटेड आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर ट्राइबल सेटलमेंट का बात करें तो वो लगभग 3000 है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में 3000 है। और मेनली वो जैसे बोला जाता है ना, अगर फॉरेस्ट के बगल में रहता तो फॉरेस्ट में ही डिपेंड करेगा, तो इसलिए वो मेनली फॉरेस्ट पर ही अपना जीवन यापन के लिए डिपेंड करता है। अगर सरफेस का बात करें तो ये लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। कोर एरिया जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं, सिर्फ स्पीसीज रहता है, जानवर वगैरह रहते हैं, वो लगभग 1,13,000 का है। बफर जोन जहाँ पर विलेजेस वगैरह भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकता है, साथ ही साथ जानवर भी हो सकता है, वो 1,44,000 का है। और ट्रांजिशन जोन जहाँ पर खेती बाड़ी भी हो सकता है वो लगभग 92,000 का है। ये देखो टाइगर है ना, ये टाइगर देखो और डर जाओ थोड़ा देर के लिए। ये वेस्टर्न घाट्स में एक बायोजियोग्राफिकली हॉटस्पॉट है। सोचो ये हॉटस्पॉट है, मतलब इसका पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ का प्लांट है, अलग अलग वैरायटीज़ का जानवर है, इसलिए ये एक वेस्टर्न घाट में भी हॉटस्पॉट है। इसके पास लगभग जैसे हम बताएं 2,254 स्पीसीज़ है प्लांट्स का। साथ ही साथ इसमें 400 जो है इंडेमिक था, यहाँ पर 405 लिख दिया, तो 400 इंडेमिक था, है ना। और जैसे हम बताएं कि कल्टीवेशन वगैरह वाला, अब अगर जानवर का बात करें तो यहाँ पे 79 स्पीसीज़ मैमल्स का, मतलब जो डायरेक्ट जन्म देती है बच्चे को, तो वैसा मैमल्स उसको बोलते हैं। तो वो लगभग 79 अलग अलग स्पीसीज़ का मैमल है, जिसमें कि 20 जो है वो एंडेमिक है, 20 जो है वो बस इसी एरिया में मिलता है, इसीलिए इसको हॉटस्पॉट कहा गया है ना। 88 स्पीसीज़ मिलता है आपको रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स मतलब जैसे सांप हो गया, है ना, लिजर्ड वगैरह हो गया, उसमें से इस 88 में से 45 जो है वो इसी एरिया का है, मतलब एंडेमिक है। और 45 स्पीसीज़ एम्फीबियंस का, जैसे कि फ्रॉग हो गया जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रहता हो, जिसमें से कि 30 स्पीसीज़ बस इसी एरिया का है। सोचो अगर इतना स्पीसीज़ बस अगस्त मलाई इस एरिया का है, इसलिए इसको हॉटस्पॉट कहा गया है। उसमें से अलग अलग 46 स्पीसीज़ देखने को मिलता है जो कि 10 बस इसी एरिया का है। 337 स्पीसीज़ जो है वो बर्ड्स का है, जिसमें से कि 20 यहाँ का है। जो हम बताएं कि इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सेहंदरनी, पेपरा और नयर, और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी इस एरिया में आपको देखने को मिलता है। अगर इंसानों का रहन सहन का बात करें तो यहाँ पर कानी ट्राइब्स देखने को मिलता है जो कि तमिलनाडु और केरल से आया है, ठीक है। ये कानी ट्राइब जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा। वो लगभग 30,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, अब शायद बढ़ गए होंगे क्योंकि ये पुराना एस्टिमेटेड है। ये जो ट्राइब है ये नॉर्मली एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करता है ना, ये बस जो फॉरेस्ट से मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के खाने का चीज़ मिलता है, अलग अलग मेडिसिन्स वगैरह मिलता है, तो वो सब जो है ये ट्राइब उसी को यूज़ करता है और उसको कमर्शियलाइज नहीं करता है, मतलब उसको बेचता करता नहीं है। तो ऐसा मान सकते हो आप कि ये लोग आउटी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 700 जो नॉन ट्राइबल इनहेबिटेंट्स हैं, नॉन ट्राइबल लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो चाय का बगान में काम करते हैं और चाय का बगान में काम करके अपना जीवन यापन यहाँ पर करते होंगे। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र रामायण में किया गया है क्योंकि रामायण में बोला जाता है ना, राम भगवान जो है वो श्रीलंका में राम सेतु वगैरह बना दिए, इसलिए साउथ इंडिया का रामायण में काफ़ी ज़्यादा उल्लेख है और इसलिए हिंदू धर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा मान्यता है।
तो ये था अपना अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो आप कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड मज़े में जी भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच।